जोहार ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर में आप सभी का स्वागत है। कोल्हान की बाबा नगरी महादेव सालधा में श्रावणी मेले का हुआ विधिवत उद्घाटन। मंत्री श्रीमती जोबा मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और सांसद श्रीमती गीता कोड़ा के हाथों हुआ रेल सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस ने संभाली है सुरक्षा की कमान। अब खबर विस्तार से। कोल्हान की बाबा नगरी महादेव सालधाम में श्रावणी मेले का विधिवत उद्घाटन मंत्री श्रीमती जोबा मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और सांसद श्रीमती गीता कोड़ा के हाथों हुआ। मौके पर गोयल केरा के वीडीओ विवेक कुमार, थाना प्रभारी राहुल सिंह समेत कमेटी के लोग मौजूद थे। उद्घाटन समारोह में सभी अतिथियों का बुके भेंट कर स्वागत किया गया। उद्घाटन के बाद मंत्री श्रीमती जोबा मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और सांसद श्रीमती गीता कोड़ा का समिति की ओर से स्वागत भी हुआ। इसके बाद मंत्री जोबा मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और सांसद गीता कोड़ा ने मंदिर में पूजा अर्चना कर बाबा भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगा। महादेव शाला धाम में ट्रेनों की ठहराव को ले सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि वे इस मामले पर DRM से वार्ता करेंगी। कांवरिया पथ की जर्जर स्थिति को ले DC से वार्ता कर कांवरिया पथ को ठीक करवाया जाएगा। मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि रेल मंत्रालय जानबूझकर इस प्रकार की कार्य करती है। पिछले दिन जब रेल राज्य मंत्री सोनुआ आए थे तो वे भी टाल मटोल का जवाब दिए। कई बार रेल मंत्री को पत्र भी लिखा गया है पर अब तक कोई परिणाम सामने नहीं आया। अपने तरफ से आश्वासन नहीं दे पाया तो दुर्भाग्य है। हम लोग यहाँ पर रेल के प्रति हमेशा आप सबों के साथ मिलकर के हम लोग ने कई बार बैठक भी किया और आम जनता का जो प्रस्ताव था या जो मांग था उसको लेकर के रेल मंत्री को भी हमने पत्राचार किया है और वहाँ से यह आश्वस्त दिया है, आश्वस्त यही किया है कि हम बहुत जल्द इस पर विचार करेंगे, लेकिन अभी तक इसमें कोई विचार नहीं हुआ है। इसके लिए हम लोग रेल के भारत के रेल मंत्री को और एक बार जा करके उसको अवगत कराएंगे और नहीं मानता है तो हम लोग आगे इसके लिए कुछ विचार करें। इसमें मैं उनका रेल की तहसाई नहीं लगती कि अपने डिटेक्टरशिप चला रहे हैं। देखिए ये तो हमने दुर्भाग्य इसी में बहुत कुछ इसका अर्थ हो सकता है। ये तनासाही बोलिए या अपना कुछ भी उसमें कुछ भी और हो सकता है। अभी राजनीतिक दबाव भी हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसको लेकर के भारत के रेल मंत्री के यहाँ जो पत्राचार हमने किया है और पत्राचार से हमको संतुष्टजनक नहीं है उसको लेकर के उनसे मिल करके भी एक बार अवगत कराएंगे और नहीं होता है तो इसके लिए हम आगे धन्यवाद नहीं दिया गया था जिससे काफ़ी श्रद्धालुओं को आने में दिक्कत हो रही है। इसमें मैं रेलवे की तरफ से कुछ आप कह देते हैं देखिए ये श्रद्धा का केंद्र है महादेव साल और हर साल सावन में यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं, ना सिर्फ सिंहभूम से बल्कि राउरकेला से भी आते हैं, जमशेदपुर से भी आते हैं और विभिन्न क्षेत्रों से लोग यहाँ अपना श्रद्धा रखते हैं तो लोग आते हैं। ऐसे में क्योंकि ये काफ़ी इंटीरियर क्षेत्र में है, यहाँ आने के लिए एक ट्रेन जो है सबसे सस्ता और सबसे सुगम यातायात है, इसलिए लोगों का हमेशा से मांग रहा और रेलवे ने इसको किया भी। कई वर्षों तक रेलवे ने यहाँ ट्रेन सावन खासकर सावन मास में कई ट्रेनों का ठहराव यहाँ पर दिया गया, लेकिन अब इस बार ये जानकारी मिली है कि सिर्फ वीकली ट्रेनों का ठहराव दिया जा रहा है जो उचित नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि श्रद्धा का केंद्र है तो उसको ध्यान में रखते हुए रेलवे को खुद की भांति यहाँ ट्रेनों का ठहराव देना चाहिए और जो अन्य दिनों में जो यात्रियों को परेशानी हो रही है क्योंकि सांसद होने के नाते हमने लगातार इस बात को उठाया है कि भाई खुद की भांति सभी ट्रेनों का परिचालन यहाँ हो, खासकर जो लोकल ट्रेन है उसका परिचालन हो। अभी 12 तारीख को पुनः मेरी GM रेलवे DRM के साथ मीटिंग है, मैं इस बात को उनके समक्ष जरूर रखूंगी कि यहाँ के यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता दी जाए। इसके अलावा चक्रधरपुर से महादेव साल जो कांवरिया पथ है वो काफ़ी जर्जर हो चुका है तो मैम इसके कुछ मरम्मत के लिए आप विभाग को कुछ निर्देश दे सकते हैं? देखिए क्योंकि ये PWD रोड है और क्योंकि खासकर जो टाउन का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा जर्जर है तो ये जिला प्रशासन से भी हम लोग कहेंगे कि तत्काल कम से कम जो कांवरिया इतना रात भर चल करके आते हैं, पैदल चल करके आते हैं, अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आते हैं, उनकी
सुरक्षा को देखते हुए और उनके यात्रा को और सुगम बनाने के लिए जिला प्रशासन इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कम से कम तत्काल राहत देने के लिए कुछ रोड को रिपेयर किया। मैडम अभी तो ये रोड जो है NH को ट्रांसफर हो चुका है, PWD से अभी NH को ट्रांसफर हो चुका है। अभी ये NH को ट्रांसफर हुआ हो लेकिन तत्काल में जो श्रद्धालु उनको राहत देने के लिए जिला प्रशासन को मरम्मत कर ही सकता है, तो जिला प्रशासन को चाहिए कि वे तुरंत उनको करें, क्योंकि ये इस बार का सावन मास एक महीने का नहीं बल्कि 2 महीने का है कंटिन्यू, तो ऐसे में लंबा देने के लिए जिला प्रशासन को करना चाहिए त्वरित कार्रवाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।